गुड मॉर्निंग गाइज, आज मैं जा रही हूँ इतना रेडी वगैरह होकर के शूट के लिए, इंस्टाग्राम के लिए शूट करने वाली हूँ। तो आज मेरी नई पोशाक भी मैं पहनूंगी, आप सभी को ब्लॉग में दिखेगा। और अभी तो बस मैं मेकअप वगैरह यहीं से करके जा रही हूँ, और जहाँ लोकेशन है वहाँ पर जा करके, और फिर वहाँ पर चेंज करूँगी और सारा ज्वेलरी वगैरह सब वहीं पर पहनूंगी। तो अभी मैंने बस मेकअप किया है, लिपस्टिक वहीं जा करके लगाऊंगी, नहीं तो फिर रास्ते में बिगड़ जाती। और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आप बताना मुझे ज़रूर। एंड फाइनली हम होटल के रूम में पहुंच गए थे, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई किस तरह से शॉट मुझे चाहिए, और किस तरह के जो पॉजेस मुझे चाहिए थे वो मैं इनको बता रही थी। उसके बाद में ये लोग अपना कैमरा वगैरह सेट कर रहे थे, काफ़ी अच्छा शूट किया बाय द वे इन्होंने, आप देखना आगे। और ये मैं अपनी पोशाक है उसको निकाल रही हूँ, ये मतलब यहाँ से ही शॉट्स लेना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। और मेरा जो ये मेकअप है, ये आपको कैसा लग रहा है? अभी मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, क्योंकि अभी मैंने ड्रेस को नहीं पहना है। ड्रेस पहनने के बाद में ही मुझे लगता है लिपस्टिक लगाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी देर तक स्टे करके रहती है। और वैसे मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास दूध पी करके मैं घर से निकली हूँ। और अभी ना 10 बज रहा होगा मुझे ऐसा लगता है। और इस तरह से छोटे छोटे से हमने शॉर्ट्स लिए हैं, ये मेरी पोशाक है। कैसी लग रही है बताना आप मुझे कमेंट में। गाइस, आज ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ और मम्मा अपनी शूटिंग करा रही है, तो अभी मैं मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और डैडी इस रूम के अंदर हैं, तो चलिए यहाँ पर ना। इस तरह से मैंने सोचा था कि इस तरह का शॉट लेंगे, अभी वीडियोस में आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से हमने शॉट लिए हैं। और दक्ष हमारा व्लॉगिंग कर रहा है आज, वही करेगा पूरा व्लॉग। बीच बीच में मैं आपसे बात करती रहूँगी, क्योंकि मेरा जो ये शॉट था ना, मुझे लग रहा था कि गर्मी से कहीं ना कहीं ख़राब ना हो जाए। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, क्योंकि फर्स्ट 2 दिन तक बारिश हुई, उसके बाद में फिर लगातार ये धूप और ह्यूमिडिटी जो थी ना, मुझे लग रहा था। बट मेरा मेकअप स्टिल वैसा ही था, बहुत अच्छा मेकअप किया था मैंने, और बस बीच बीच में एक आध बार मैंने टचअप लिया होगा, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो ये कुछ इस तरह से और यहाँ पर ना थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैं आपको डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो जिस तरह से शूट किया है ना, ये आप देख पा रहे होंगे रेजोल्यूशन इसका, तो ये आप देखें मैंने किस तरह से ये छोटे छोटे से जो शॉर्ट्स होते हैं ना गाइज, ये जब हम इसको एडिट करते हैं ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी, और आप देख सकते हैं मेरा ये जो लुक है। और पोनी वगैरह तो मैंने बना ली, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, तो फिर मैंने पोनी बना के और फिर रफड़ी और शीश फूल और ये सारा गेटअप ले लिया है। आप बताना मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। अभी फ़िलहाल मुझे ओढ़नी ओढ़ना बाकी है, तो बस अभी मैं ओढ़नी ओढ़ने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा लुक भी दिखाऊँगी। ओढ़नी ओढ़ने से पहले मुझे लगानी थी लिपस्टिक, तो यहाँ पर मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, बहुत सुंदर रेड कलर है ये। तो इसका रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है, मैक की है ये रूबी वू, तो इसका रिव्यू मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है, और अब मैं ना ओढ़नी ओढ़ूंगी, तो बताना आप मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, और मेकअप आपको कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ये वाला मेकअप लुक दोबारा से करके वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और बिल्कुल भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं और बस देख करके चले जाते हैं, तो ये इस तरह से थोड़ा ओढ़नी ओढ़ने के बाद ओढ़नी ओढ़ने के भी मुझे शॉट लेने थे, जिससे कि स्लो मोशन पर फिर बहुत अच्छे वीडियो बनते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आपको इन सभी शॉर्ट्स की रील वहाँ पर देखने को मिलेगी, और आपको वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है रील्स देख करके, और फॉलो ज़रूर करके जाइएगा मुझे। और ये इस तरह से हम लोग शॉट ले रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था, बट थोड़ा सा ना गर्मी से मैं डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। टिशू का मेरा एक पैकेट मैं लेके गई थी, उसमें से हाफ पैकेट बच के आया है, क्योंकि टिशू नहीं होता तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला था। और अभी बस अंदर आकर के मैं थोड़ा बहुत अब ना टचअप करने वाली हूँ, अभी तो मैं बाहर निकल रही हूँ वापस से शॉट लेने के लिए। और ये कुछ इस तरह से बहुत सारे शॉट्स मैंने लिए हैं, और
बहुत सारे फोटोज और वीडियोस आपके लिए लिए हैं। आवाज़ और अभी मैं क्या है थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ आवाज़ चल जाएगी। तो ये होटल काफ़ी मतलब अच्छी है और यहाँ मतलब सही तो होटल है पर यूँ है कि थोड़ी छोटी होटल है, पर हाँ यहाँ लोकेशन बहुत अच्छी है फोटोज और वीडियो शूट करने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये होटल बहुत अच्छी लगी मेरे को और मम्मा अभी शूटिंग करा रही है तो चलते हैं। गाइस मम्मा शूटिंग करा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मा की शूटिंग चल रही है, लेके आया हूँ। इस बार क्या है थोड़ा लाइट पोजिशन का चक्कर पड़ गया है और मैं अभी शूटिंग साइट पे हूँ जल्दी में आऊँगी। तो अभी यहाँ शूटिंग चल रही है, आप भी देख सकते हैं बहुत मुश्किल होगी, गर्मी में शूटिंग करना बहुत मुश्किल टास्क है। इस बार क्या है थोड़ा लाइट्स का चक्कर पड़ गया था क्योंकि हमारे पास क्या है बिग लाइट नहीं थी, स्मॉल ही लाइट थी। तो कोई बात नहीं, हमने मैनेज किया क्योंकि अभी हम दिन में आए थे तो इतना लाइट का काम नहीं है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि ऐसे शूट करना बहुत आसान है बस ड्रेस पहनी और चल के कर लिया, तो ये बहुत इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि एक तो इतनी गर्मी हो रही है उसमें भी ऐसी भारी ड्रेस पहन के सब करना बहुत मुश्किल है। जो लोग भी सोचते हैं इजी है हम कर लेंगे तो ऐसा ना सोचें। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि मेरे बार बार ना पसीना आ रहा है और फिर वो जो क्लोजअप वाले शॉर्ट्स होते हैं ना उसमें तो दिखता ही दिखता है, तो फिर ये प्रॉब्लम हमें बार बार आना पड़ रहा है। क्या ठंडा ही है, थोड़ा सा मैं टचअप कर ही लेती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई है मेकअप करे हुए और जिस हिसाब से गर्मी हो रही है ना गाइस उस हिसाब से तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही तेज़ गर्मी हो गई है। थोड़ा सा मैं फेस कॉन्टैक्ट लगा नहीं पा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि वीडियोस कैसे बन रही है कैसे नहीं बन रही है, व्लॉग का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मेरे को है रश, मेरा बना रहा है व्लॉग थोड़ा सा क्या है मतलब थोड़ा फास्ट आया ना तो थोड़ा कैमरा हिल गया, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करिए। मम्मा अभी टचअप कर रही है, वेरी सनी डेज, ह्यूमिड वाले डेज है बेटा, ह्यूमिड वाले डेज। और यहाँ पर ना हमने जो शूट रखा था वो संडे के दिन रखा था जिससे कि दक्ष को परेशानी ना आए और वो भी एंजॉय करे और उसका घूमना भी हो जाए, तो इस वजह से हमने संडे के दिन ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो इससे उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हुई। और सॉरी गाइस मैं सारी क्लिप्स नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज भी इतनी होनी चाहिए, तो जितना भी मेन होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी जो भी ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है इतना भी कह दिए बोल रहे हैं सुनने में नहीं आ रही आवाज़, तो ऐसे एक
चल रहा है, तो मैं कह सॉरी गाइस, सारी शूट आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज भी एक लिमिट तक होती है, तो इस कारण मैं आपको सारी क्लिप्स नहीं दिखा सकता हूँ। पर जो मेन मेन जो क्लिप्स थी जो मैं सोच सकता हूँ कि लेने के लायक है वो मैंने ले ली है। और देख लो आप, और भी चीज़ होता है, छोड़ देख लो आप, ऐसे ऐसे यहाँ भी मम्मा को अंकल जो हैं वो क्लिप्स दिखा रहे हैं, तो जो सारी क्लिप्स हैं जितनी भी मेरी क्लिप्स होगी और है ना, थोड़ा सा मैंने वापस से रूम की ओर बढ़ चुके हैं और सब अब रूम की ओर जा रहे हैं, और भी कई सारे हमें दिखेंगे जो हमें जो काम के लगेंगी लोकेशंस उस पर हम लेंगे। और अभी हम वापस रूम की ओर आ चुके हैं। यस, तो अभी मम्मा आ जा रही है, पता नहीं अभी हम रूम की ओर जाएंगे कितने। इधर मम्मा वापस आ चुकी है कैमरा खींच के लिए, तो आगे की क्लिप्स आपको देखते रहेंगे। हाँ पर बहुत सारे शॉर्ट्स और वीडियोस इस पोशाक में मैंने बना लिए हैं और फोटोग्राफ्स भी क्लिक कर लिए हैं, और बस अभी नेक्स्ट पोशाक है वो पहनने वाली हूँ। वो पोशाक मैंने पहले भी डाले हुए हैं, पिंक कलर वाली पोशाक है मेरी, आपको पता ही होगा। तो मैं सोच रही हूँ पहले साड़ी पहन लेती हूँ, साड़ी वाले शॉर्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद में मैं लास्ट में फिर पोशाक पहन लूँगी। तो बताना आप मेरी पोशाक आपको कैसी लगी है। मैंने पहन ली है दूसरी वाली पोशाक, बस अब इसके ओढ़नी को मैं लगा रही हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा लुक चेंज कर लिया है, ज्वेलरी चेंज कर ली है, बैंगल्स चेंज कर ली है, बस लुक भी चेंज करना पड़ता है। अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। हाँ इधर देखिए, बोल बोल स्माइल, देखिए स्माइल करिए। ऊपर छत पे पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा धूप है मम्मा, यहाँ बहुत ज्यादा धूप है, और चुके हैं ठीक है। गाइस तो हमारा शूट खत्म हो चुका है और मम्मा भी अब आ चुकी है। सो गाइस अब मैं फाइनली साड़ी पहनने के बाद में लास्ट मेरा शॉट हो चुका है, और बस अब मैं ना थक करके चूर हो गई हूँ, बट अभी मुझे यहाँ से जाना है अपने घर पे, सारी पोशाक वगैरह बस मैं पहनने जमा रही हूँ, और बस आपको मिलती हूँ। अभी मैंने पूरा मतलब मैंने खाना खाया ही नहीं सुबह से, अब जा करके खाना खाऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ खाने में क्या क्या मैं खा रही हूँ। तो गाइज इन सब को करने में बहुत मेहनत लगती है, तो जो सोचते हैं कि ये सब करना बहुत इजी है उनको मैं बता दूँ ये सब करना बहुत हार्ड है। 3-4 hours से हम ये कर रहे हैं तब जाके ये ख़त्म हुआ है, तो अभी हम चल रहे हैं घर पे। और आप है ना गाइज इसकी रील्स आप किस पे देखोगे, मुझे यशवी कुमारी ऑफिशियल पर इंस्टाग्राम पर आप है ना फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ये जितनी भी ड्रेसेस मैंने पहनी है ना उसकी रील आपको वहाँ जाकर के देखने को मिलेगी। फॉलो ज़रूर कर लेना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। सो गाइज अब मैं जाकर के आई हूँ घर पे, और ये खाना अब मैंने प्लेट में डाल लिया है, और बहुत तेज़ भूख लगी है। सुबह 10 बजे हम लोग निकले थे और अभी 3:30 बज रही है, और मैंने सुबह से सिर्फ 1 glass दूध पी के गई थी, उसके बाद में अब जाकर के खाना खा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप ज्वार और जौ की रोटी है,
एंड ये है प्याज की सूखी सब्जी और ये है मंगोड़ी की सब्जी, ये दही, ये अचार एंड ये सिल पर पिसी हुई चटनी है और ये प्याज है। ये सब खाना मैं बना के गई थी, अभी मैंने गर्म कर लिया है, अब खाऊंगी। सो गाइस, बस अभी मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद में ये सारा मेकअप रिमूव करूंगी।